Oh, wow. Oh, wow. Canteen best hookah is canteen special like meri pyari berry. हैप्पी आवर का 12 to 6 इसमें फैंटास्टिक ऑफर किया गया है। हाँ। अगर आपको पीना है तो ये बहुत साउंड है, बहुत साउंड सुनाई नहीं दे रहा है कुछ कट डाला। आपको जब ये सिप करने के टाइम में आपको ये घोटाला का पता चल जाएगा। वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। एक ब्रांड न्यू सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको वादा किया था पिछले वीडियो में कि मैं आपको कुछ डेस्टिनेशंस का नाम बताऊंगा जहां पर बेस्ट कॉकटेल एंड बेस्ट फूड मिलते हैं, और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आ चुका हूं कोलकाता का एक वन ऑफ द सोफिस्टिकेटेड प्लेस जिसको कहा जाता है सिटी सेंटर। सो मेरे पीछे है कैंटीन पब एंड ग्रैब और यहाँ पर मैं बेस्ट फूड ऑर्डर करने वाला हूँ। तो मैं अंदर जाऊँगा और दो फूड और एक ड्रिंक ऑर्डर करूंगा। तो चलो टाइम ना जरा गवाते हुए अंदर चलते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि कैंटीन का ये नज़ारा, ब्यूटीफुल नज़ारा, कितना लंबा बाड़ है देखिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैं फैंटास्टिक कॉकटेल पीने के लिए आया हूँ और वो कॉकटेल मुझे पिलाएगा सुजीत ठाकुर, जो यहाँ का हेड मिक्सोलॉजिस्ट है और बार मैनेजर भी है, कैंटीन का बार मैनेजर और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। तो मैं ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए सुजीत को बुला लूँगा। तो सुजीत आ जाओ प्लीज़। हाय सर। Hi, how are you? Good. Nice, welcome to the canteen. ऐसे तो सुजीत का बहुत नाम है कोलकाता में, बहुत फेमस भी है, अवार्ड विनिंग बार्टेंडर मैं बोलूँगा, बहुत अच्छा अवार्ड जीत के लाया है कोलकाता के लिए। तो सुजीत आज मेरे लिए एक स्पेशल कॉकटेल डिजाइन किया है, तो वो क्या है बताओ। बेसिकली जो हम लोग कैंटीन थीम है, हाँ? उसी हिसाब प्लस हम लोग जो क्राउड है उसी हिसाब से मैंने एक कॉकटेल बनाया था। अच्छा। गेस्ट को ध्यान में रखते हुए। अच्छा। एक कॉकटेल जो समर में था। हाँ। तो आज का डेट में मेरा ये हाईएस्ट सेलिंग कॉकटेल है। हाँ। इन कैंटीन। ओ वाओ। जब से कैंटीन ओपन हुआ उस वक्त से आज का डेट में टिल नाउ हाईएस्ट सेलिंग कॉकटेल। तो मतलब बेस्ट कॉकटेल मैं आज पीने वाला हूँ। बट ये कॉकटेल जो मैं आपको पिलाने जा रहा हूँ इसमें आपको खुद से मेहनत करना होगा पीने के लिए। अच्छा। एग्जैक्टली इंटरेस्टिंग है, खुद से मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा। और एक कॉकटेल का नाम जो मैं रखा हूँ इसमें है फ्रूट घोटाला नाम है। फ्रूट घोटाला, सुनो यार। अच्छा एक बात बताऊं। हाँ। कि हम लोग तो ड्रिंक करेंगे, बट कौन सा फूड है जो कैंटीन का बेस्ट है? फूड जो कलकत्ता में अवेलेबल नहीं है जो हम लोग के यहाँ पे मिल सकता है। अच्छा। वो एक मटन पिज्जा। तो और जो मेरा भी अच्छा मतलब सबसे बेस्ट क्या वही है कैंटीन? नहीं, सबसे बेस्ट वो नहीं है, बहुत सारे हैं, बट प्रोफाइल के हिसाब से ध्यान में रखते हुए जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मटन। आप पिज्जा खाए होगे? अच्छा। हाँ, पिज्जा तो मिला, पिज्जा मिला होगा, चिकन पिज्जा मिला होगा, वेज पिज्जा मिला होगा, बहुत सारा पिज्जा मिला, बट मटन पिज्जा हम लोग का यहाँ पे यूएसपी है, यूनिक है। तो फाइन मटन पिज्जा है तो प्लस एक सराबी झींगा बोल के सराबी झींगा क्या क्या नाम रखा है, मेनू भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया भी देंगे कि क्या है इसका प्राइस। पहले हम लोग कॉकटेल को बना लेते हैं और उसके बाद उसको पीते हैं, और तब तक मेरा पिज्जा ऑर्डर दे देना, मटन पिज्जा तुम जो बोल रहे थे। तो भाई जाओ, जल्दी जाओ, ऑर्डर दे दो, ज्यादा टाइम लगता है, और अंदर चलो। yes, पहले चलो जाते हैं, ड्रिंक बनाते हैं, मैं आपको लेके आता हूँ। बेसिकली we'll be right back.
ओके सो सुजीत कैंटीन के बारे में मतलब कैंटीन का जो प्राइस है उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे दो हम लोगों को कि प्राइस बेसिकली हम लोग का जो प्राइस है जो हम लोग का प्राइस है जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि मान लो बियर का अगर बियर का जैसे हम लोग का दो मेनू चलता है एवरीडे दो मेनू हम लोग चलाते हैं 12 to 6 एक हैप्पी आवर का होलसेल मेनू रहता है। अच्छा 12 टू 6 हैप्पी आवर का कोई मेनू है क्या? हां हैप्पी आवर का मेनू है। अच्छा ये मेनू हैप्पी आवर का 12 टू 6 इसमें फैंटास्टिक ऑफर किया गया है। अगर आपको पीना है तो ये आप आके पी सकते हो, मतलब हर की चीज़ मिलता है। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ, 100 रुपये में आपको ओल्ड मॉन्क मिलेगा स्मॉल, या ऐसे बहुत सारा है ड्रिंक, 150 में आपको बहुत सारा इंडियन ब्रांड का विस्की मिल जाएगा, 250 में आपको स्कॉच ब्रांड मिल जाएगा, स्कॉच ब्रांड हाँ स्कॉच ब्रांड मिल जाएंगे, ब्लेंडेड हो जाएगा, हाँ ब्लेंडेड भी मिल जाएगा 200। मतलब ये अगर आप देख लोगे स्क्रीन शॉट लेके देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना फैंटास्टिक ऑफर है कैंटीन में चलता है ना। एवरीडे 12 to 6 वीकेंड में भी आप आइए तो भी आपको मिल जाएगा, वीकेंड में आइए तो भी मिल जाएगा 12 to 6 याद रखिएगा। और ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई कस्टमर आया और 6 बजे से पहले पहले सारा ऑर्डर दे दिया और बैठ के पी रहे, मतलब थोड़ा देर बेसिकली 6 बजे के पहले आके ऑर्डर दे देना एक ये है, ठीक है दे सकता है, बट ज़्यादा नहीं। और खाना का अगर बात करूँ, खाने में आपका जो है हम लोगों का अगर एवरेज एक बताऊं कि एक बंदा स्टमक फीलिंग फूड चाहिए उसको थोड़ा तो वो 1000 रुपीज़ में हो जाएगा क्या? हाँ 1000 रुपीज़ आराम से हो जाएगा, सिंगल पर्सन हो जाएगा स्टमक। और ये मैंने दिखा रहा हूँ बहुत बढ़िया एक मेनू है, बहुत इलाबोरेट मेनू है, आप देख सकते हैं इसका प्राइस। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीन में दे भी दूंगा कि क्या प्राइस है इसका खाना का। और कॉकटेल का जो मेनू है वो थोड़ा एक बार दिखा दो, कॉकटेल का मेरा जो मेनू है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मेरा होममेड कॉकटेल है हम लोगों का जो सिग्नेचर है वो भी है, आप यहाँ पे अच्छा सा कॉकटेल ट्राई कर सकते हो। अगर आप कॉकटेल पीने का शौकीन हो तो आप यहाँ पे आकर कॉकटेल पी सकते हो। ये कॉकटेल का मेनू है, मैं एक स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। और अगर एवरेज प्राइस का बताऊँ तो एवरेज 495 में भी मॉकटेल्स मिल जाते हैं और बढ़िया वेरी गुड, मतलब 500 में आपको बहुत बढ़िया कॉकटेल मिल जाएगा 450 to 500 हाँ प्लस साथ में मेरा खुद का जो समर कॉकटेल भी चल रहा है वो भी यहाँ पे अभी अवेलेबल छोड़ रहा है। अभी फिलहाल समर कॉकटेल अवेलेबल है, आपको पीना है तो अब उसको भी आपको मिल सकता है, ठीक है ना। सो सुजीत बोलो तुम पहला इंग्रेडिएंट, मतलब इंग्रेडिएंट्स क्या है? बेसिकली जो ये वोडका बेस्ड कॉकटेल है, ये वोडका बेस्ड कॉकटेल है और ये पूरा फ्रूट्स के साथ ही है, जैसे कि आप देख रहे हैं वाटरमेलन है आपका ऑरेंज है वाटरमेलन ऑरेंज जो हम लोगों का बंगाली में बोला जाता है नाशपाती। अच्छा नाशपाती मतलब पियर्स। अच्छा पियर्स भी है एंड ग्रीन एप्पल भी है, ग्रीन एप्पल। तो इसके साथ मैं एक फ्रूट घोटाला बनाने वाला हूँ अभी। फ्रूट घोटाला यार कमाल का चीज़ है, ठीक है नाम सुनते ही मैं घोटाला लग रहा है। आपको यहाँ पे घोटाला भी करना है बेसिकली। अच्छा तो फिर बनाना शुरू करो, क्या करोगे पहले? मैं पहले लाइम जूस डाल रहा हूँ, लाइम जूस शेकर में। हाँ शेकर में लाइम जूस डाल रहा हूँ। ओके ठीक है, लाइम जूस के बाद मैं थोड़ा ऑरेंज स्पीड्स डाल रहा हूँ, ऑरेंज स्क्वीज सिर्फ। कितना डाल रहे हो? कितना? 15 ml। ओके और साथ में थोड़ा ट्रिपल सेक डाल रहा हूँ, ट्रिपल सेक भी थोड़ा सा। हाँ थोड़ा ट्रिपल ऑरेंज फ्लेवर। हाँ सिक्सटी एम एल वॉट का डालने जा रहा हूँ। कोई भी वॉट का चल सकता है? कोई भी वॉट का बेसिकली, कोई भी वॉट का। इसके साथ सारा फ्रूट्स को मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। अच्छा जितने भी फ्रूट्स तुम काट के रखे थे? हाँ क्योंकि घोटाला करने के बाद फ्रूट्स का थोड़ा फ्लेवर तो घोटाला के साथ ही होगा इसके अंदर। नाम भी कमाल का रखा है, फ्रूट घोटाला यार कोई मतलब होता है बोलिए क्योंकि यंग क्राउड को थोड़ा फंकी, बेसिकली यंग नाम चाहिए, फंकी नाम चाहिए, फंकी अच्छी चाहिए। और अभी जो है कॉलेज स्टूडेंट को थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए, बिकॉज हम लोग कॉलेज लाइफ में हम लोग चाय कॉफ़ी से ही दिन कटता था। हाँ हम लोगों का चाय कॉफ़ी से ही दिन कटता था, मतलब जितने भी फ्रूट से कटा हुआ हाँ वो फ्रूट हम लोग प्लेस कर देना विद आइस। हाँ थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूँ इसको। अच्छा ठीक है थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूँ जिससे कि अच्छा ये फायर। हाँ अंदर में क्या रखा है? अंदर में ही तो घोटाला है। अच्छा देखते हैं
ये घोटाला आपको जब पिए सिप करने के टाइम में आपको ये घोटाला का पता चल जाएगा। मतलब वुडन थोड़ा सा रखे थोड़ा सा सरप्राइज तो चाहिए घोटाला करने के लिए। अभी वो जो हम लोग कॉन्सेंट्रेट बना के रखे थे उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। तो उसी के अरे ताली मारो, ताली ताली सब ताली सब ताली। अब बेसिकली अब यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, देखते हैं। अच्छा ये तो कॉन्सेंट्रेट आ गया। हाँ कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर कहाँ मेहनत करने का काम? मेहनत यही पे है ना। अच्छा देखते हैं। घर में भाभी मेहनत करती है। हाँ, आप खाना खाते हो। हाँ, तो जब आप कॉकटेल पीने आए हो तो थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। अच्छा आपको घोटना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं हटो, मैं करता हूँ। अभी अपने हाथ से आपको घोटना पड़ेगा। ये क्या मेहनत है, ये तो सिंपल है। सिंपल नहीं है, इसी के अंदर तो घोटाला चल रहा है। अच्छा क्या चल रहा है? आप सही से देखोगे तो घोटाला तो आपको आप ही कर रहे हो घोटाला। क्यों? मेरे को तो देना था फूड्स, मैंने दे दिया। घोटाला तो आप कर रहे हो। बोलो यार फंसा दिया कहाँ? क्योंकि आप जब पूछोगे कि फूड घोटाला नाम क्यों पड़ा है? हाँ वही तो बात है। मैं बोला घोटाला मेरा घोटाला कॉकटेल देना, आपने घोटाला करके। मैं घोटाला ज्यादा करता हूँ क्योंकि आजकल नेता लोग घोटाला करते हैं, मैं ज्यादा करता हूँ। चलो तो फिर डालते हैं। हाँ चलिए चलो। ओ वाओ कितना फैंटास्टिक लुक है। अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। ये आप आपको थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा। ओके बस आपने बनाया, आप देखो आप, मैं तो सर किया घोटाला तो आपने किया है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बहुत फैंटास्टिक आ रहा है, घोटाला कर रहे हो। खुशबू भी बहुत मस्त आ रहा है। मतलब क्या मतलब जितेंद्र तुम्हारा क्या लाल टपक रहा है कॉकटेल के लिए? देखो मेरा फ्रेंड को लाल टपक रहा है। आ जाओ फिर। बहुत बेहतर। यार मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग कैंटीन में आ रहे हो तो ये फूड घोटाला ज़रूर ट्राई करना, वो भी सुजीत के हाथ से। और जब ऐसा पीना तब मेरा नाम थोड़ा बता देना कि दादा बार्टेंडर का वीडियो देख रहा है। तो थैंक यू, ये मैं अपना पिज्ज़ा के साथ पीऊँगा। चलो पिज्ज़ा के साथ पिज्ज़ा लेके आते हैं। My mouth is watering right now. Thank you. Let me. Sujit, would you? Just have a try this. Oh wow! पहले इसका ये देखिए कितना शानदार लग रहा है। मतलब आई लव टू टेक अवर बाइट। आप एक ले लो। फैंटास्टिक है, मस्त है, फैंटास्टिक। कोई बात नहीं होगा, मतलब बेसिकली कलकत्ता में हम लोग ही सर्व करते हैं। अच्छा इसको आप लोग ही सर्व करते हैं मटन के साथ पिज्जा, और अभी इंडियन स्टाइल मतलब वेस्टर्न कल्चर, मतलब कॉन्टिनेंटल फूड विद इंडियन एज वेल एज द इवन बंगाली टच। वेरी गुड। बेसिकली जो मटन जो मैरिनेट हुआ है बेसिकली बंगाली मसाला के साथ ही मिल गया। और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ और आप लोगों से बाद में बात करेंगे। टाटा, साथ में मिल के खा लेंगे। हाँ मेरे पास मेनू कार्ड ऑलरेडी रखा है। देखिए नाम देखिए, पिज्जा डाब चिंगड़ी, मतलब ये बंगाल का बहुत फेमस है, उससे पिज्जा बना लिया। ये देखिए ये नाम भी बहुत कमाल है, पिज्जा कौसा माउंटेनो, मतलब ये कौसा मानसो जो मैंने खाया अभी पिज्जा चॉप इन चॉप द फूड। अच्छा
पिज्जा चॉप द फॉलो, ये क्या है? पिज्जा विद चिकन चॉप बेसिकली, और इसी को नाम रखा है पिज्जा चॉप द फॉलो। अच्छा यार, अच्छा ओके, वंडरफुल नेम। और प्राइस अगर देखिएगा तो बहुत रिजनेबल प्राइस पे ये सब ऑफर किया जा रहा है आप लोगों को। ओके, सो अलोंग विद मी राजीव, राजीव सजेस्टेड मी वंडरफुल ड्रेस। अच्छा, व्हाट आर द ड्रेस राजीव, टेल मी माय नेक्स्ट ड्रेस। द प्रोडक्ट व्हिच आई एम गिविंग यू नाउ इट्स कॉल्ड शराबी झींगा। शराबी झींगा, ओह वाओ, इट्स बेसिकली द ऑथेंटिक ट्रेडिशनल तंदूरी प्रॉन्स व्हिच आर बीन मैरिनेटेड विद द इंडियन हर्ब्स एंड स्पाइसेस एंड व्हाट इज सर्व्ड विद द हॉट प्लेट, द सिज़लर प्लेट and on tempered with the alcohol. Oh, so wow. You can have the prawns with the hot plate and the flames. Sharabi jhinga. Sharabi jhinga. I'm super excited to taste it. So please, I will take it for you, sir. Okay, thank you. शराबी झींगा एंड मतलब ये शराब पी के रखा है क्या? नहीं, शराब पी के नहीं रखा, अभी हम लोग इसको शराब पिलाएंगे। शराब पिलाएंगे, शराब पिलाएंगे। वो शराब, वो देखो शराब, ये कौन सा शराब है? ये ओल्ड मॉक है। ओह वाओ वाओ वाओ, ओह माय गॉड, क्या अमेजिंग नजारा है, क्या अमेजिंग नजारा। कैंटीन में ओल्ड मॉक, ओल्ड मॉक, ओल्ड मॉक, ओल्ड मॉक से बन रहा है। वाओ, क्या मजा है। बट अभी क्या मैं ऐसे ही हाथ से या नहीं, अब कैंटीन में आया, आपको जैसा मन है वैसे ला सकते हैं। तो एक काम करो भाई, आप लोग मजा देख लिए, कैंटीन में आके ऑर्डर कर देना, और अभी नजर मत लगाओ, आप लोग जाओ जल्दी से, जाओ हटो, हम लोग खाने दो, हम दूसरी खाएंगे, हटो हटो हटो। खड़ा हूँ स्मोक पॉइंट, कैंटीन की स्मोक पॉइंट के सामने। आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज रुखसार बेगम। रुखसार बेगम, एंड रुखसार इज मेकिंग अमेजिंग हुक्का। ये हुक्का का सेगमेंट है, हुक्का का एरिया है, एंड शी इज ऑलरेडी मेकिंग अ वंडरफुल हुक्का। सो व्हाट इज द बेस्ट हुक्का, व्हाट यू थिंक इन कैंटीन, व्हाट इज द बेस्ट हुक्का, कौन सा? कैंटीन बेस्ट हुक्का इज कैंटीन स्पेशल लाइक मेरी प्यारी बेरी। मेरी प्यारी बेरी इज द बेस्ट वन, इज अ ग्रेप मिंट एंड ब्लूबेरी, मिक्स इट वेल, एंड ब्लूबेरी एंड ग्रेप मिंट, मिक्स इट वेल। ओह वेट, यू मस्ट ट्राई सम हुक्का एज़ वेल अगर आप कैंटीन में आते हो। बहुत साउंड है, बहुत साउंड सुनाई नहीं दे रहा है कुछ, बट वीडियो खत्म करने का टाइम आ गया है, मैं खत्म करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। तो फाइनली मेरे पास है राजकुमार धाड़ा, जो ऑपरेशन मैनेजर है यहाँ पर। तो राजकुमार, मैं जो क्वेश्चन करूँगा, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में चलते हैं, मेरे सब्सक्राइब करके दिमाग में चलते हैं, तो उसी के ऊपर आपको खाली आंसर देना है। कैंटीन में सब्सक्राइबर, मेरे सब्सक्राइबर, मेरा गेस्ट क्यों आएंगे? एक टाइम पे हम लोग कॉलेज में जाता था, पढ़ता था, ठीक है। आफ्टर कॉलेज माइंड में क्या आता है, तो कॉलेज भूल जाता है बहुत, नौकरी का चक्कर में, इधर उधर काम का चक्कर में भूल जाता है। जो कैंटीन नाम सुन के एक अट्रैक्शन, एक फीलिंग आता है, जो कैंटीन अपने सामने जो याद आ जाता है कैंटीन का, ठीक है। तो वहाँ पे जाके एक एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट मिलता है, ठीक है, कैंटीन में जैसा मिलता था कॉलेज कैंटीन में, कोई कैंटीन नहीं, मतलब फील दे रहा है, और इसीलिए कैंटीन में ही आना चाहिए, आना चाहिए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या लगता है कि अगर कोई 1000 रुपीज लेकर आएगा तो उसको अच्छे तरीके से ड्रिंक, फ्रूट सब कुछ मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, 1000 रुपीज में आराम से, वेरी रीजनेबल प्राइस होगा। मैंने देखा, वेरी रीजनेबल, सो यस, ये बहुत ऑफर इज गोइंग ऑन, इज अ होलसेल मेनू जो और किधर भी नहीं है, जो आप स्टार्टिंग प्राइस 100 रुपीज से स्टार्ट करके 350 रुपीज, उसके अंदर सब हर एक चीज का मिक्स मिलता है, सब कुछ मिल जाता है। अच्छा, एक बार बताइए, क्या यहाँ पर डिस्कोटेक है?
डिस्कोटेक वी हैव द डांस फ्लोर डांस फ्लोर एरिया यहां पर डांस फ्लोर भी है तो आप जैसे कि आप वाइब सुन सकते हो अभी भी साउंड बज रहा है अभी दोपहर का बट टाइम बहुत अच्छा मतलब साउंड अच्छा होता है तो यस यहाँ पर डिस्कोटेक भी है आप आ सकते हो। अच्छा और एक क्वेश्चन है कि कितने बजे से कितने बजे तक खुला है और जो स्पेशल ऑफर आप देते हो वो कितने बजे से कितने बजे तक है? We have opened 12 to 12 to 12 yeah 12 to 12 okay. Yeah. And especially happy hours is timing is every day 12 to 6 अगर 12 to 6 आएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट में एक ड्रिंक मिलेगा या फूड मिलेगा हैप्पी आवर मेनू मिलेगा यहाँ पर बहुत सस्ता हो जाता है। सो थैंक यू सो मच मिस्टर धारा थैंक यू सो मच इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग विद यू बहुत अच्छा लगा एंड आई रियली एंजॉय द फूड एंड द ड्रिंक्स थैंक यू मिलेंगे बहुत सो थैंक यू सुनील थैंक यू यू नो ग्रेट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। तुम क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? मैं बेसिकली बोलूँगा आइए कैंटीन में विजिट कीजिए और जो भूला हुआ कैंटीन लाइफ है उसको आके आप यहाँ पे एंजॉय कीजिए। थैंक यू तो बिल्कुल आइए जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि ये जो प्लेस है इस प्लेस का नाम है कैंटीन पब एंड ग्रैब और ये एग्जैक्टली प्लेस है सॉल्ट लेक सेक्टर 1 में सिटी सेंटर के अंदर में सी ब्लॉक में। तो आइए बहुत मजा आएगा और आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा जरूर। बाय बाय चेस चलो बाय बाय।